मैहर में स्थित माँ शारदा का पावन धाम तो विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन माँ शारदा की बड़ी बहन सत्य माता के मंदिर के बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है, जो कि माँ शारदा के मंदिर से 17 किलोमीटर दूर परसमनिया के घने जंगलों के बीच क्षेत्र की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। जिस प्रकार माता सती का हार मैहर में गिरा तो माँ शारदा को मैहर माता के नाम से जाना गया, ठीक उसी तरह माँ सती का यहाँ छत्र गिरा था, इसीलिए इन्हें छत्री देवी या छतई माता के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की क्या महिमा है और इस मंदिर से जुड़ी क्या पौराणिक कथाएं हैं, आइए सुनते हैं इस मंदिर के मुख्य पुजारी महेंद्र पाठक और उनके बेटे यश पाठक से। माता जी का नाम सत्य माता के नाम से विख्यात है। ये माँ शारदा की बड़ी बहन है। माता सती का प्रथम अंश हमारे यहाँ गिरा था, फिर माता सती का आपके मैहर में माई का हार गिरा था। इसी तरह से जहाँ जहाँ शक्तिपीठ के अंश गिरे हैं वो शक्तिपीठ के अंतरिक्ष में आता है। इनका जो पुराना नाम है वो इनका नाम छताई माता के नाम से विख्यात है। हमारे यहाँ पे माता सती का यहाँ पे छत्र गिरा था। छत्र उसको कहते हैं जो मुकुट के ऊपर जो छाया रूप में जो रहता है उसको छत्र कहते हैं। तो यहाँ पे छत्र गिरने के कारण इनका नाम ये छताई माता के नाम से विख्यात हुई थी। इसके बाद में फिर आपके मैहर में माता सती का हार गिरा था तो वहाँ पर मैहर के नाम से विख्यात हुआ। जी ये माता जी अपने साथ परिवार साथ में ली हैं, जिसमें ये लड़की है, ये लड़का है, बीच में स्वयं भवानी जगदम्बा स्वयं है। वो माता शारदा में और माता सत्य माता में इन दोनों में सदयुग के टाइम में संध्या काल में शर्त लगी थी। संध्या काल अर्थात आरती के टाइम में शाम को, कि हम दोनों में से कल सूरज निकलने से पहले जिसका मंदिर संपूर्ण हो जाएगा उसको कलयुग के टाइम में अधिक पूजा जाएगा। इन दोनों ने अपना काम प्रारंभ किया, काम दोनों का चलता रहा। चलते चलते माँ शारदा ने इनको आधे में वहां से दीपक दिखा दी, अगर गांव की भाषा में कहें तो दिया जला करके लेस के दिखा दी। तो माता जी को लगा कि लगता दिन निकल आया, सूरज वहां से निकल आया। तीनों ने अपना काम रोक दिया और जो बालक बालिका जो साथ में ली हैं इनके समेत जल अन्न को त्याग के सती हो गई। और ये जानकारी जब माँ शारदा को जब पता चला कि बड़ी बहन ने इस तरह किया, बच्चों को साथ में लेके किया, तो उनको बहुत बुरा लगा कि हमने बड़ी बहन के साथ गलत किया। और तब माँ शारदा ने इनको वरदान दिया कि जो व्यक्ति मेरे पास आएगा वो पहले माता जी में यहाँ आकर के एक भोज पत्र में अपनी मनोकामना को लिख के माता जी में समर्पित करेगा, जिससे कागज बनता है, कागज मानक टाइम में चलता था, जो चावल दाल की जो कच्ची खिचड़ी होती है वो भेंट करेगा। इसके बाद में फिर माँ शारदा के दर्शन करेगा, तब उसकी मनोकामना पूरी होगी। तो जो पहला दर्शन है वो भी माता जी का है, जो दूसरा कहलाता वो माँ शारदा कहलाता है। माता जी परिवार जो साथ मिली है, छोटे बच्चों की जो झालर उतरती है, जो मुंडन होता है, वो सब इन्हीं के वक्त का है। भले चाहे वो आपकी माँ शारदा में हो, माँ काली में हो, माँ दुर्गा में हो, इत्यादि किसी भी देवी देवता में किसी भी स्थल में हो, कहलाता वो सब इन्हीं बच्चों के वक्त का है। अर्थात में कहें तो जिसके बाल बच्चे नहीं होते वो लोग जो मांगते हैं तो वो लोग भले चाहे अपने तक देवी या देवता कहीं भी अर्जी लगाएं, फिर देवी या देवता इन बच्चों से बोलते हैं तो ये जो बालक बालिका है, जो संतान प्राप्ति जो होती है वो सब इन्हीं की देन है। ये जो माता जी हैं ये शक्तिपीठ अंतरिक्ष में आती हैं। ये माता जी मध्य प्रदेश के सतना जिला के परसमनिया पहाड़ जो कहा जाता है, आपके मैहर से माँ शारदा के पीछे से जो पहाड़ गया है वहाँ से 17 किलोमीटर की दूरी पर माता जी का मंदिर स्थित है, ग्राम पटियाट के नाम से है।